अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर कैसे अनबैन हो सकता है। अगर आपका भी व्हाट्सएप नंबर बार बार बैन हो जाता है, एक दिन चलता है, दो दिन चलता है, उसके बाद बैन हो जाता है, तो आज जो मैं ये मेथड बताने वाला हूँ, इसके बाद आपका नंबर कभी भी बैन नहीं होगा। जी हाँ, आपका नंबर कभी भी बैन नहीं होगा। उसके लिए अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलो करते हैं स्टार्ट। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये एक वेबसाइट है, अगर आपको चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा, वहाँ से ये आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट है वो, इसके ऊपर आप जितने भी नंबर, अगर आप चाहे किसी के बैन करना चाहती हो बैन भी हो जाएगी, अनबैन करना चाहती हो अनबैन भी हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ये है, ये वेबसाइट है वो, ये सारे नीचे इसके डिफरेंट डिफरेंट इसके फंक्शन है यहाँ पर। अगर आपको व्हाट्सएप चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, ये इसके ऊपर एग्री एंड कंडीशन के ऊपर आपने यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो इस वेबसाइट का जो फंक्शन है वो यहाँ पर देखो, अगर आप अपना यहाँ पर अपना नाम रखवाना चाहती हो तो यहाँ पर आपका नाम भी लिखा जा सकता है। आपने यहाँ पर सिंपल अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर आप नंबर चेक करा देते हो, ये नंबर है मेरे दोस्त का जो यहाँ पर ये बैन हो गया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, ये बैन हो गया है, ये अभी आपके सामने अनबैन होगा 2 मिनट के अंदर, आप टाइम वेट कर सकते हो। ये नंबर है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो, ये भी 2 मिनट के अंदर अनबैन हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमने यहाँ पर सपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है, यहाँ पर तो क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर 2 चीज़ें नोट करनी है। यहाँ पर आपने जो मैं रखवाने वाला आपने वो लिखना है, तो यहाँ पर आपने एक फ़ोटो लगानी है, यहाँ पर आपने एक फ़ोटो लगानी है। चलो लिखते हैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ये होता है, ये यहाँ पर मैं आपको दे दूँगा, यहाँ पर इसका ऊपर लिख देना है, 2 नंबर आपने कहीं पर लिख लेंगे, और यहाँ पर जो हमने स्क्रीन शॉट लिया था वो सब हम यहाँ पर हमने स्क्रीन शॉट यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ पर हम देखो हम लिख दिए, मैं चाहे आपको दिखा भी देखो, और इसके लिए यहाँ पर नोट भी कर सकती हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख देना, और आप सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दिया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो। यहाँ पर आपने एक बात नोट कर ली, यहाँ पर आपने किसी भी ऑप्शन को नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल करना क्या है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है इसके ऊपर, में से आपने किसी को भी टच नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पर आ जाना है और इसको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपने जी मेल को क्लिक करना है, और ये आपके काम कुछ इस तरह का आ गया और आप ये देख सकते हो, तो हमने नंबर लगाया था वो नंबर यहाँ पर लिखा होगा, ये नंबर ये आपके सेंड कर सकते हैं। मुझे सारे मेरे नंबर ये रात आप मुझे नंबर दे सकते हो, आपने अब सेंड कर यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दो सेंड ईमेल कर देना, हमारा काम यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हमें सिर्फ 2 मिनट वेट करना है, 2 मिनट बाद हमारा नंबर कंफर्म हो जाएगा।